मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 18 दिसंबर को रायसेन से सोयाबीन व अन्य फसलों में नुकसान की राशि के रूप में 1600 करोड़ रुपए प्रदेश के 35,50,000 किसानों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। कल आयोजित किसान सम्मेलनों का मुख्यमंत्री श्री चौहान के संबोधन के पश्चात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में 18 दिसंबर को राज्य में हो रहे 4 स्तरीय किसान कल्याण कार्यक्रम और सम्मेलनों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कलेक्टर्स को विस्तृत निर्देश दिए। सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान से आज निवास पर मछुआरा समाज के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट कर एक सुझाव पत्र दिया, जिसमें सामुदायिक भवन उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति और नियंत्रण संबंधी समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज बालाघाट पुलिस लाइन सभागृह में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर कहा कि हमें गौरव की अनुभूति होती है जब उत्कृष्ट कार्य के लिए हम अपने जवानों को सम्मानित करते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित आवास भवनों का लोकार्पण किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश की टावर पॉलिसी बुकलेट को लॉन्च किया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने मंत्रालय में नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उचित मूल्य दुकानों की निगरानी के लिए गठित सतर्कता समितियों के सदस्यों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। कल सुबह 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित इस वेबिनार की अध्यक्षता खाद्य मंत्री श्री बिसाहू।